एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट पे लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने देखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूँ और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलें टीचमेंट पे। आज ही साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। करता हूं आपका चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। आज मैं बात करूंगा राजस्थान जेईई का एग्जाम हो चुका है उसके कट ऑफ को लेकर। जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएच सबकी कट ऑफ मैं यहां पर बताने वाला हूं, अलग अलग मैं बताऊंगा। यहां पर मैं सिविल की कट ऑफ बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा, लगभग उसकी भी कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है, 2-4 नंबर का अंतर रहने वाला है क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न बदल गया था। सभी को पता है 1/3 निगेटिव मार्किंग थी और सिलेबस को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, पॉलिटी वगैरह में जीएस के पोर्शन में चेंज किया गया था, बाकी टेक्निकल का जो पोर्शन था सेम टू सेम था, यानी उसके पोर्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया था। और इस बार पेपर का लेवल जो है थोड़ा कुछ क्वेश्चन मॉडरेट दिए गए थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक लेवल के पूछे गए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ मैं बताऊंगा, ओबीसी एससी एसटी सभी कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम इसके ख़त्म हुए लगभग 1 वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर उम्मीद है सभी लोगों ने अपने आंसर की वगैरह भी मिला ली होंगी। तो यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जनरल है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर मैं बात करूँ दोस्त, तो यहाँ पर सिविल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी अगर सिविल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है 80 से 85 के बीच में रहने वाली है। 80 ये मिनिमम है, 80-85 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली क्योंकि यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग इस बार है। ये मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 85, बाकी 80 के आसपास अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं क्योंकि 80 नंबर बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी। अगर इसमें कोई धांधली नहीं हुई है तब मैं बता रहा हूँ, अगर भाई ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता कि कितनी तब तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कट ऑफ ये जो मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ जो है 80 ये आपकी डिग्री की कट ऑफ है और लगभग 1-2 नंबर आप इससे वैरी करा सकते हैं डिप्लोमा की कट ऑफ, यानी 82 के आसपास आप मान सकते हैं किसकी जो है सिविल की डिप्लोमा की कट ऑफ। वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात मैं करूं तो लगभग अगर 85 के आसपास अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो यहां पर आप सेलेक्टेड हैं। और यहां पर मैं बात करूं दोस्तों जो है ये मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 85 के आसपास, उसके बाद सिविल की मैं बात करूं तो 82 के आसपास, ये डिप्लोमा की 80 के आसपास आप देखेंगे तो ये डिग्री की रहने वाली है, ये जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एससी की कट ऑफ, तो एससी की कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी लगभग 78 के आसपास या 76 से 78 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ये इलेक्ट्रिकल ये सिविल की रहने वाली है 78 के आसपास आप देखेंगे 79 के आसपास, तो ये रहने वाली है सिविल की कट ऑफ डिप्लोमा की। उसके बाद 76 के आसपास आप देखेंगे तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये डिग्री की कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वही लगभग मतलब 82 से 83 के आसपास आप देखेंगे डिप्लोमा की रहने वाली है और डिग्री की, मतलब डिप्लोमा और डिग्री के कटाव में 2-3 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है। तो इस बार आप देखेंगे सीटें कहीं ना कहीं डिप्लोमा में थोड़ी सी कम थी कंपेरिजन टू डिग्री, तो इस बार कट ऑफ हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरी कर जाए, मतलब डिग्री की कट ऑफ कम चली जाए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एसटी की कट ऑफ मैं बात करूं तो एसटी की कट ऑफ आप देखेंगे तो 80 के आसपास रहने वाली है, 80 के मतलब इससे कम नहीं रहेगी, 80 के आसपास ही रहेगी। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर एसटी की कट ऑफ राजस्थान में आप देखेंगे तो लगभग ज़्यादा ही जाती है ओबीसी एससी वगैरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ एसटी की जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाली है एससी से। अगर एससी के 78 है तो 80 के आसपास में 79 के आसपास में ऐसे रहने वाली है आपकी जो है मतलब एससी की कट ऑफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ मैं बात करूँ दोस्तों, ओबीसी की कट ऑफ ये भी लगभग जो है 80 के आसपास ही वेरी करेगी, यानी जनरल की कट ऑफ आप मान सकते हैं 80 से 85 जहाँ तक मैंने बताया था, तो उसी के आसपास ये कट ऑफ यानी
टोटल में अगर मैं कटाव की बात करूँ तो 75 से लेकर SC ST OBC और यहाँ पर लगभग 85 के बीच में ये कटाव वेरी करने वाली है। कटाव मतलब OBC जनरल SC ST सब इसी के बीच में रहने वाले हैं। डिग्री डिप्लोमा सब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हर ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ। कट ऑफ ये 75 से 85 के बीच में ही रहने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ ना ज़्यादा जाएगी ना तो इससे ही कम जाने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि एक दो नंबर आप मान सकते हैं वेरी कर सकता है। 75 से हो सकता है 74 चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 70-65 चली जाएगी, इतना कब वेरी नहीं होगा। और यहाँ पर 90 भी नहीं जाएगी ये उम्मीद, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब 85 में बता रहा हूँ तो 90 चली जाएगी कट ऑफ। तो उसी तरीके से मैंने आपको एक मोटा माटी आंकड़ा बता दिया, बाकी तो आयोग भी नहीं बता सकता अभी कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर जब OMR सीट चेक होती है उसके बाद सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ वगैरह ऑटोमेटिक बनाई जाती है। तो अभी ये कहना मतलब बहुत वो नहीं होगा कि हाँ इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता दे रहा हूँ, 75 से 85 के बीच में अगर आपके स्कोर हैं, अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं जैसा मैंने बताया अभी कि SC ST OBC सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो लगभग यही कट ऑफ इसके आसपास रहने वाली है। इतने स्कोर पर आप खुद को सेफ मान सकते हैं। बाकी राजस्थान JEE पंचायत की वैकेंसी जो है सुनने में आ रहा है, उम्मीद है कि 3000 के आसपास में अगर वैकेंसी आ गई तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।